देखा था संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। आज हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे, किस तरीके से जातिवाचक संज्ञा विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया की सहायता से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा बनाना। ये हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए हम कुछ शब्दों की सहायता से, जातिवाचक संज्ञा की सहायता से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो सबसे पहले है जाति वाचक संज्ञा। इसमें हम कुछ शब्द लिखेंगे, देखिए जाति वाचक संज्ञा, ये कुछ संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है, वीर, इसमें जाति का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही जाति के संपूर्ण व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जैसे वीर। वीर को हम भाववाचक संज्ञा में बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वीरता, ठीक है। वीरता इस भाववाचक संज्ञा, जैसे शत्रु, शब्द
नाम सर्वनाम से। यहां हम लिखेंगे ये थर्ड नंबर है हमारा सर्वनाम और इधर लिखेंगे हम भाव वाचक संज्ञा। अब हम यहाँ कुछ सर्वनाम शब्दों को क्या होते हैं सर्वनाम शब्द क्या होते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे निज अपना देखिए यहाँ कुछ शब्द हम देखेंगे निज अपना एक ये सर्वनाम शब्द है शब्द शब्द मतलब सभी आप और मम और हम अहम मतलब मैं भी होता है ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो निज का हो जाएगा निजत्व मतलब अपनापन ठीक और अपना का हो जाएगा अपनापन। ये भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं जैसे सर्व का होगा सर्वस्व सर्वस्व मतलब सर्वस्व का अर्थ क्या होता है सब कुछ। जैसे आप का हो जाएगा आप मम का क्या हो जाएगा मम से बनेगा शब्द ममता और अहम से बनेगा अहम अहम का अर्थ होता है घमंड। तो आपने देखा कि हमने कुछ सर्वनाम शब्दों को भी भाववाचक संज्ञा में बदला है। अब कुछ शब्द हमारे पास क्रिया शब्द है फोर्थ नंबर पर है क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे क्रिया से। अब यहाँ पर हम क्रिया शब्द लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम भाववाचक भाववाचक संज्ञा में। ये कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं देखिए कैसे उनको जैसे खेलना खेलना की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी खेल चढ़ना का हो जाएगा चढ़ा पर्वत की चढ़ाई बहुत ऊंची है लिखना का हो जाएगा इसमें लिखा और चलना सजना का सजा वर्क और बनाना का बना। तो ये हमने कुछ क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई है। तो आपने देखा कि आज हमने जातिवाचक शब्दों को विशेषण से सर्वनाम से और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। इसे आप लोग कॉपी में करेंगे इसी तरीके से आप कुछ और शब्दों को भी रख करके उन्हें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।